कच्चे टमाटर का अचार बनके बहुत बढ़िया तैयार होता है और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो आज हम वही बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे टमाटर का अचार। मैंने अचार बनाने के लिए यहाँ पर कच्चा टमाटर लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह का टमाटर मैंने लिया है और मैं इसको छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। टमाटर को सबसे पहले बीच से आधा कर देंगे और इस तरह से इसको चाकू से छोटे छोटे पीस बना देंगे। आप चाहे तो इसको लंबा पीस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 6 पीस बनाया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी काट लेंगे। और इसका भी 6 पीस बना देंगे। इसी तरह से सारे टमाटर को मैं काट के रख लूंगी। सारे टमाटर को मैंने यहाँ पर काट के तैयार कर लिया है। इस अचार को बनाने के लिए हमको इसी तरह से टमाटर को काटना पड़ेगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच हल्दी और डाल करके इसको अच्छे से मिला दूंगी। कटे हुए टमाटर में हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और इसको 1 स्पून की हेल्प से इस तरह से अच्छी तरह से हल्दी को मिला देंगे। ये देखिए, हल्दी को मिला के मैंने तैयार कर दिया है। मैं इस टमाटर को धूप में 2 से 3 घंटे तक सुखा लूंगी ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और ये देखिए, 2 से 3 घंटे मैंने इसको धूप में सुखाया है और इसका एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल गया है। इसी तरह का टमाटर चाहिए हमको अचार बनाने के लिए। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है और इसमें डालूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को डाल करके गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे। तेल का गरम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका फ्लेवर महीनों तक नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल को मैंने कितना बढ़िया से गरम कर लिया है। 20 सेकंड के बाद तेल ठंडा हो गया है और इसमें मैं डालूंगी हींग और डाल करके थोड़ी देर पकने देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने 1.5 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर मैंने पहले भी इसमें डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर की ज़रूरत नहीं है इसमें। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच डालूंगी इसमें अमचूर पाउडर। आपको यदि अमचूर का पाउडर अच्छा लगता है तो डालिए और नहीं तो इसमें 1 नींबू काट के डाल दीजिए। 1/2 चम्मच डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। 3 चम्मच पीला सरसों और 1/2 चम्मच मेथी दाना को मैंने मोटा दरदरा पीस लिया है और इस समय मैं वही डाल रही हूँ। दोस्तों, मसाले को मैंने भूना नहीं था तो इस समय तेल में इसको इस तरह से मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसाला यदि कच्चा रहेगा तो अचार को पकने में बहुत टाइम लगता है और धूप में इसको बहुत दिन तक पकाना पड़ता है। और सारे मसाले को मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया। स्वाद के अनुसार डालूंगी इसमें नमक और नमक को डाल करके इसको मसालों में अच्छी तरह से मिला देंगे। और जो टमाटर मैंने सुखा करके धूप में रखा था उसको भी इसी समय डाल करके मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से कच्चे टमाटर का अचार इस तरह से बना करके आप धूप में 3 से 4 दिन रख दीजिए और ये तैयार हो जाएगा खाने के लिए। आप इसको 3 से 4 महीना आराम से खा सकते हैं। आप इस अचार को रोटी, पराठे या चावल दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और ये देखिए, यहाँ पर अचार बनके तैयार हो गया है। सबसे आखिरी में मैं डालूंगी थोड़ा सा अजवाइन को क्रश करके। आपको इसका फ्लेवर अच्छा है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके बाद मैं डालूंगी
सिरका, तो मैंने यहाँ पर सिरका में विनेगर लिया है। आपके पास यदि गन्ने का सिरका है तो वो डाल दीजिए, मेरे पास तो अभी नहीं है तो मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है, क्योंकि अचार में सिरका डाल देने के बाद अचार का लाइफ बढ़ जाता है और अचार बहुत दिन तक टिकता है। इस अचार को यदि बहुत दिन तक रखना है, यानी 5 से 6 महीना रखना है, तो आप इस अचार को तेल में डुबो के रखें। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 चम्मच तेल डाला था, तो आप यहीं पर 6 चम्मच तेल डाल दीजिए। और अचार को जल्दी खाना है तो बहुत ज़्यादा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।